हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओपीएस मैथ क्लासेस में आपका वेलकम। आज चैप्टर 4 न्यू एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोलते हैं कि इसकी पावर 2 है। इसकी पावर 2 है तो इसके जीरो हमेशा 2 आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। इसके 2 जीरो आएंगे। एक जैसे x की 2 वैल्यू आएंगी, इक्वल भी आ सकती हैं, जीरो भी आ सकती हैं। तो इसमें एक हम d निकालते हैं जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें आपको यहां से देखिए, एक आएगा इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी। डी होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये निकालेंगे। इससे पता चलेगा कि इसका नेचर कैसा है। ये डिस्क्रिमिनेंट है तो इस डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा इसका नेचर कैसा होता है। अगर पहली पोजीशन डी जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तो इस पे आएंगे टू टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे। और अगर इसका डी बड़ा है जीरो से, मतलब पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो इस पे आएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। रूट्स को जीरोस भी बोलते हैं। और थर्ड पोजीशन इसकी क्या आएगी? अगर d लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब नेगेटिव में आएंगे। तो इसे आप नाइन्थ उसमें इलेवेंथ क्लास में पढ़ेंगे, इसे इलेवेंथ क्लास में पढ़ेंगे कि इसे कैसे निकालते हैं। तो इसे आप नोट कर सकते हो। ये आपका यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट लिखा है, ये डिस्क्रिमिनेंट है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। जब b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा जीरो से, ग्रेटर देन जीरो, टू इक्वल रूट्स होंगे। जब डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होगा और नो रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो नेगेटिव होगा, तो ये डिस्क्रिमिनेंट है ये यहाँ पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ से, अब आता है एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आता है? अब एक आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। डिस्क्रिमिनेंट का रूट डी निकाल देंगे और b निकाल देंगे, तो इसमें ये आपका आ जाएगा, तो फिर आपका x आ जाएगा a। और इसको श्री धाराचार फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ए रहा, ए यहाँ पर ए है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ए यहाँ पर डी क्या है? ये हेयर डी इक्वल टू क्या है आपका? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट है ए। तो इसे श्री धाराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्री धाराचार्य, उन्होंने इसको ड्राइव किया था। तो इस तरीके से आपका हो गया एक फॉर्मूला। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर निकालना है, नेचर निकलेगा जब डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे तब। नेचर कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है और ये एक्सरसाइज 4.3 है। तो पहला है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। बोर्ड की तरफ देखिए, यहाँ पर लिखना बंद करेंगे आप, ए सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, ए इज 2, ए की वैल्यू कितना है? 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ए।
x का कोफिशिएंट b, बीच साइन लेंगे, साइन कैसा है यहाँ पर माइनस, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर जरूर, और कांस्टेंट टर्म होता है c, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, निगेटिव होता है तो निगेटिव लगाते। अब डिस्क्रीमेंट d निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री, इसी ब्रैकेट में जरूर लेना, फोर ए की वैल्यू टू और सी की वैल्यू फाइव, इस पर ब्रैकेट लगाएंगे ना, माइनस के ऊपर भी ब्रैकेट लगेगा, माइनस थ्री है तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री दो बार करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का नाइन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा फोर टू या एट और एट फाइव या फोर्टी, ये कितना आएगा माइनस थर्टी वन, तो ये लेस देन जीरो है, कैसा है बोलो, लेस देन जीरो है, निगेटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव है, तो इस पे आएगा नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, जब नो रियल रूट्स है तो हम इसके रूट्स नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका नेचर कैसा है नेगेटिव है, तो नो रियल रूट्स पे इसकी कोई हम वैल्यू नहीं निकालेंगे। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां पर देखेंगे आप सॉल्यूशन लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू माइनस 4√3, ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में क्यों लेंगे, क्योंकि नेगेटिव है और कांस्टेंट टर्म होता है c। अब डिस्क्रीमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर b की वैल्यू रखेंगे माइनस 4√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। अब यहां से देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 3 या 12 और 12 4 या 48, ये 48 आ गया, और 16 3 या 48 और ये भी 48 आ गया, तो यहाँ पर 0 आ गया, जब 0 आता है तो 2 डिस्टिंक्ट, नहीं यहाँ पर 0 आ गया तो 0 पे क्या आएगा 2 इक्वल रियल रूट्स, यहाँ पर आएगा 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, जब जब डिस्क्रीमिनेंट 0 आए, जब जब डिस्क्रीमिनेंट 0 आएगा तब तब इसकी वैल्यू 2 इक्वल रूट्स आएंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4√3 और प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू 0 है और 2a, a कितना है आपके पास 3, तो यहां पर आप देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 4√3 प्लस माइनस 0 और नीचे क्या आएगा 2 3 या 6 आएगा। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे इसका, तो जब हम इसका पॉजिटिव साइन लेंगे तो देखिए यहां पर इरेज करते हैं इस पार्ट को यहां से, अब हमने यहां पर एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लो प्लस वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 4√3 प्लस 0 करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 6 4√3 अपॉन 6, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2√3 अपॉन 3 ये आ गया, और जब माइनस वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, ये दो साइन है ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो 4√3 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा कट करके 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2√3 अपॉन 3, ये दोनों रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स आ गए, कब इक्वल रूट्स आते हैं जब डी डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तब। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के अननोन है, के की जगह ए भी लिख सकते हैं, वो पी भी लिख सकते हैं, कोई अननोन नंबर लिख सकते हैं, कब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स पे कौन सी कंडीशन लगाएंगे, d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अच्छी तरीके से इसे वॉच करिए उसके बाद नोट करेंगे, a की वैल्यू क्या है यहां पर 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है x का कोएफिशिएंट k और कांस्टेंट टर्म क्या है 3। अब हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, अब b की वैल्यू यहां पर कितना है k, तो k का स्क्वायर लग जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, 4 किसके लिए 4
रियल फोर इक्वल रियल रूट्स, ये कंडीशन गिवन है, फोर ये लिखा है हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स हैं तो क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे, डी को जीरो कर देंगे, तो जब डी इक्वल टू जीरो कर देंगे तो डी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस फोर टू जा ए फोर इंटू थ्री टू जा सिक्स इजिक्वल टू जीरो, के स्क्वायर इजिक्वल टू 24 जीरो, के स्क्वायर इजिक्वल टू इधर 24 आएगा, के इजिक्वल टू यहाँ पर प्लस और माइनस 24 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस जरूर आएगा, प्लस माइनस क्यों आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आता है, क्योंकि इसको इधर लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसलिए प्लस माइनस आता है। अब इसे 24 के फैक्टर्स कर लो, तो 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 से काटेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6 और 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो ये 3 बन जा 3 आ जाएगा, तो इसके जो फैक्टर्स आने वाले हैं वो क्या आएंगे आपके 1 2 3, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 आएगा और एक 3 आएगा, तो ये पेयर बाहर आ जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस का साइन भी लगेगा, तो अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, ये पेयर बाहर आ जाएगा, 2 2 3 6 ये बाहर नहीं आ जाएगा, तो ये इस तरीके से इसकी फाइनल वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू निकाल दी, कब निकाली, जब एक पर रियल रूट्स हैं d इक्वल टू जीरो पर। सेकंड का सेकंड पार्ट है kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन है 2 इक्वल रूट्स, तो k की वैल्यू निकालो, k अननोन है यहाँ पर, k की जगह हमने बोला p भी हो सकता है, c भी हो सकता है, a भी हो सकता है, x y z, x तो नहीं होगा क्योंकि x तो इक्वेशन है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, ये ओपन नहीं करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, k का k आ जाएगा, x का x से x स्क्वायर आएगा, माइनस टू पहले लिखो फिर k लिखोगे फिर x लिखोगे 6 लिखोगे इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना, कौन सी फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और बी की वैल्यू माइनस टू के, एक्स नहीं लेंगे, जरा ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर यहाँ से डिलीट हो गया, एक्स यहाँ से डिलीट हो गया, विद साइन आया और सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म 0। अब फोर किसके लिए, फोर इक्वल रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन लगती है बोलो, d इज इक्वल टू जीरो लगती है, d फोर डिस्क्रिमिनेंट, अब d होता है क्या जल्दी बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 2k है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a इज a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 है, यहाँ पर 0 नहीं है, ये 6 है यहाँ पर, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर माइनस 6 4 या 24 के इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, इक्वल रूट पे क्या होता है डी जीरो। अब इसमें से 4 के कॉमन ले लो, 4 के कॉमन लेंगे तो एक के मिलेगा, 4 बाहर आ गया तो 4 6 या 24 और के बाहर चला गया, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स जीरो, दो नंबर का या दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब उसमें से एक जरूर जीरो होगा, तो हमने यहाँ पर 4k को पहले जीरो ले लिया, तो यहाँ k इक्वल टू आएगा 0 अपॉन 4 k इक्वल टू 0, एक वैल्यू ही आ गई, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब ये फैक्टर जीरो होगा तो k इक्वल टू 6, तो वी हैव गॉट k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6, यहाँ k की दो वैल्यूज आई, अलग अलग आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं ना इसकी, तो यहाँ पर ये आपकी दो वैल्यूज आ गई, तो इस तरीके से सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हमने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ की तरफ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्स गॉड।